पूरी दुनिया अज्ञान के अंधकार में समावत रहे, अपन आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सिर्फ भारत ही उपल को झेल पाया। ये मंदिर भारतवासी के विश्वास, ब्रह्मत्व और ज्ञान शक्ति के प्रतीक बा। यही है भारत का आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन यहाँ के सब मंदिर में धार्मिक पागलपन के प्रहार भूखत रहे, जौन थे वाराणसी, सोमनाथ, कुंभकोणम, अरक्कोणम, मदुरई, वरंगल, महाबलीपुरम, पुरी, हम्पी, लेपाक्षी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई मंदिरन के तबाह कर दिए गए। आजादी मिले के बाद भी हमार मंदिर सुरक्षित ना बाढ़े, एकर जीता जागता सबूत अक्षरधाम के खौफनाक विध्वंस कांड। जो कोई भी गलत काम किए है उनका इकरी सजा हम देकर ही रहा। शांत हो जा। आप बस सबको यहाँ बैठ के शांत ही करावत रहा। वहाँ बैठे कुछ बुरे लोग सभी धर्म के धर्म स्थल पर तबाही मचावत रहे और जैसा आप बोल रहे हैं वैसा सब शांत बैठल रहे तो हमारे भारत में कौनो धर्म स्थल सुरक्षित ना रही। वो मात्र इतिहास के पन्नों में ही रह जाए जिसके बारे में कौनो कभी बात नहीं करी। क्षेत्र की रक्षा की खातिर देश की राजनीति में बहुतेरे राजनेता है। आखिर का फायदा ही का भइल, मंदिर के बारे में तो केहू सोचत ही नहीं है। फिर हमनी के का करे के चाहिए? हर धर्म स्थल के रक्षा खातिर एक रक्षक मौजूद होवत रहे। हमने के ऐसन ही रक्षक हर जगह खातिर तैयार करे के हुई। कौन तरह का रक्षक? ऐसन रक्षक जौन धर्म की रक्षा खातिर अपन जान भी न्योछावर कर दे और जरूरत पड़े तो जान ले भी सके। वो रक्षक के हर प्राचीन युद्ध विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। क्षेत्र की खातिर जान देने वाला इस युग में कौन है? हम हैं। कौन है पूछत रहे ना तो ई रहे आपके सामने। आए हैं तो ठीक है, लेकिन ई सारी पौराणिक विद्याएं सिखाने वाला ई आधुनिक युग में आखिर कौन बा? एक गुरु। ऐसन विद्या के ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। हिमालय के गर्भ में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग, देवप्रयाग संगम जो पार किए हैं, जो तक्षशिला में पुरातन विद्या के महारथी आजीवन ब्रह्मचारी है। सत्तर की उम्र में भी उनकरा में इतना ताकत बा कि वो 100 लोगन के अकेले ही धूल चटाई सकत है। बद्रीनाथ के चरणों में रहने वाले वो गुरु का नाम है भीष्म नारायण। उनसे कैसे मिलल जाए? धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम सब धर्म के रक्षा ना करब तो धर्म हमार रक्षा कैसे कर सके? हमार सारा विद्या ये बच्चा लोग के सिखाए। जौन मंत्र सिखावले रही वो बतावा। शीरो धनमन प्रदेशे प्रदेशे प्रदेशे। शीरो धनमन प्रदेशे सुचिमणि सुचिमणि।
विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही कठिन श्लोक है गुरुजी, हमको खुद सीखे में एक महीना लग गया था। अम्मा, गुरुजी। हाँ हम तो चरवाहे हैं, हम कुछ श्लोक के बारे में कछु नहीं पता। अगर एक रात श्लोक गाने में गलती हो गई हो तो इका माफ कर। हाँ गुरुजी, क्षमा कर दी। ये कौनो भी गलती ना कैलस। दोसर बच्चा के जीव जौन मंत्र पढ़े में लड़खड़ाहत रही, ये एकदम ठीक ठीक गैलस और ये अद्भुत है। एक संत ग्रामी। तू अपन बछुआ हमार के दे दे। विष्णु की उंगली माँ घूम रहल चक्र में जितना शक्ति बा ये उतना शक्तिशाली हो। आज से सुख क्षत्रिय के रूप में हम तोरा के अपनावत हैं। तोहरा से उम्र में बहुत बड़ा बा, अनुभवशाली बा, का तो इकरा के हरा दे बा? ना जमीन पर मारेंगे ना आसमान में मारेंगे। जौना पाग्या दे गुरुजी तो आसमान जमीन के बीच मारेंगे। भारत के कौनो भाषा या प्रांत ही विद्या से अनजान ना है। बिना कौनो शस्त्र के ये एक साथ 100 लोगन के खत्म कर सकेला। शपथ लो के हम जो विद्या सीखे हैं, हम जो विद्या सीखे हैं ओकर हम अपन परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए कभो इस्तेमाल ना करा। क्षेत्रीय धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपन जान भी दे दें। हम अपन धर्म की पूजा और दूसरा धर्म की इज्जत करम। हम अपन धर्म की पूजा और दूसरा धर्म की इज्जत करम। क्षेत्रपालक का काम करे खातिर आपन आपन क्षेत्र चुन लो। राम, काशी गुरुजी। महेंद्रनाथ, अमरनाथ, बद्री। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदि मंदिर है। साक्षात श्री हरि विष्णु पहली बार यही धरती पर जहां अपन कदम रखे रही। ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र के जन्म स्थल हो। दादाजी, 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 का हो गए आपके? देखिए ना दादाजी के का हो गए बा।
ई जंगली इलाका यहाँ पेड़ पौधा बा सिग्नल नहीं है हम तो पहले ही कह ली ताऊ जी बद्रीनाथ के सफर ना कर पाए परंतु सुनता कौन है बॉडी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगा के नहीं नहीं कैंसिल हेलीपैड नहीं है खुश रहा दाऊ जी कुछ बोलिए ना इस सुपर हीरो के का भेल इनका के पता ना अचानक इनका का हो गई कोनो जवाब ही नहीं दे रहे हैं फोन तो लगातार बहुत का कर रहे हो तुम पहले ही सांस ना ले पा रहे हैं और तुम मिट्टी लगा रहे हो चुप रहा ये नारायण पहाड़ की मिट्टी है एकर जर्रा जर्रा में श्री विष्णु बसे ले रास्ता दो हमके आवे दो बद्री सबका आरती दा ए बद्री मार देव करा के रुका स्वामी जी हमार पोती नादान बा ओकरा भगवान में विश्वास नहीं आप उसे कहकर हमारी पोती को बचा लीजिए बद्री वो लड़की के लेके आवा ये हमारा देश है जी गुरुजी जौन लड़की के भगवान के प्रति श्रद्धा ना बा यहाँ ना रह सकेले वापस जाए के लिए कहो इका और ये जो पाप कैलस हो प्रायश्चित के रूप माई का एक लाख दिया जलावे के पड़ी एक लाख अम्मा कसम एक दिया के बदले में 50 ठीक बा 100 दिया भी चली 1000 दिया भी चली लेकिन एक के बदला में 1 लाख दिया ये कैसन इंसाफ बा ए चुप ठीक नहीं है देखो दिल से जलेबू तो जली लेकिन दिल में श्रद्धा ना रही तो ऐसा ही बुझत रही श्रद्धा से कैसे जलाएं माचिस से जली ना ना जली ओम नमो नारायण या अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़ के जलाई तो जरूर जली का कहलो 1 लाख दिया जलावे के बा और 1 लाख बार मंत्र पढ़ के बा इंकरा से ना हो पाई अरे के ही पड़ी जलवा ल जला के दिखाओ थई देखा अलकनंदा जितना भी दिया बा बिल्कुल यही तरह जली मंत्र पढ़ा और दिया जला बोला ओम नमो नारायणाय ये तरीका बा ओम नमो नारायणाय ओह
अलकनंदा, ओकरा के मत जगाओ बेटा, कम से कम आज के रात ओका भगवान के चरणों में सोवेदा। बात कह, एका भगवान से इतना नाराजगी का ही बा? बचपन में एक रोज ओकर माँ हवन में कपूर डालत वक्त आग के लपेटे में आ गई। ये धागे से तोहरी हर मुसीबत टल जाई बेटा। पौरी खौफनाक मंजर ओकर आखन के सामने भइल रहे। इससे अलकनंदा की विश्वास भगवान पर से उठ गई। ई जाने के बावजूद आप एकरा के मंदिर में काहे लेके आइल बानी? काहे कि ई वक्त ओकर सर के ऊपर खतरा मंडरा रहल बा। सरकार की गाड़ी आवत है। माँ, इका कत्ल भी पिताजी ही किया। पिताजी के खिलाफ बोलत रहे तो सोचा एकरा के हमेशा के लिए खामोश कर दे। सरकार बाहर गएल बाड़े, अंतिम संस्कार कई के हमरा से मिला। बिना वक्त गवाई ले अंतिम क्रिया करो। बहन जी तनिक सुनी, हमार पति जब जिंदा रही तब वो हमका एक बात कह ले रही कि जब तक कोनो बड़ा आदमी हमार मुंह में तुलसी का पान न डाली, हमार अंतिम संस्कार न करी है। हम फोन किए थे, उपस आवत है। कौन आवत बा? जेडी नायडू। दादाजी ना आ पाई हैं, यही से हम आइल बानी। बस वो तुलसी का पान इनके मुंह में डाल दा। काहे ऐसन करे से वो जिंदा हो जाइए? हमके ये सब ढोंग बिल्कुल ना आवेला। ये पैसा आपके बच्चा लोग के काम आई। हमरा भाई तोहरा के सड़क से उठाई ले, लेकिन फिर भी तोहरा में इतना घमंड आयल कहाँ से? तोहरा ये घमंड पसंद है हमें, बस हमारी बहू बन जा और हमको अपन सास, ताकि तोहरे पिता की आत्मा को शांति मिल जाए। हमरे पिता की आत्मा के शांति के फिक्र आपके करे के कोनो जरूरत नहीं खे। हमके ता आपके बुआ कहे में भी शर्म आवता, और आप चाहते हैं कि हम आपके सासु मा कहें? आप अपने ही शादी के मंडप से भाग के अपन पिता के बेइज्जत कर ले रही, फिर आप हमरा के का इज्जत दे बोला? आपसे तब बात करे में भी घिन आवत बा। हमके तो समझ में नहीं खे आवत कि हम आपके बात के जवाब कह दे थे। जब तक हमार सांस चलत बा, तब तक हमरे मुंह से सासु मां शब्द ना सुन सकेलू। ए, के बड़ा तुम लोग का करत हो? अब आग खुलल, हजार बार कहली पर तू समझा नहीं। तो हर पोती ने हद पार कर दिया है। पूरे समाज के सामने हमरी माँ को नीचा दिखाई। अब हमका तोहरी जायदाद और पोती दोनों चाहिए। सरकार के बारे में तो तू जानत है, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ल तो तोहरे पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दे। अगर हम चाहते तो तोहरी पोती को वही खत्म कर सकते थे, लेकिन हमरी माँ हमका रोक ली है। ओका ओकरी गलती की सजा जिंदगी भर भोगते के पड़ी। ये जिंदगी कब तक बा कोई नहीं जानत है। हम ओकरा के आपन पूरी जायदाद दे सकत है, लेकिन ओकरा के वो संभाल ना पाई। बस यही कारण है कि ओकरा के हम यहाँ ले आए। अब ओकर मन में भगवान के लिए श्रद्धा जगाई, ये तोहर काम बा। अरे दादाजी आप बेफिक्र हो जाई, ये हमरा खातिर चुटकी बजावे जैसन बा। सात दिन, सिर्फ सात दिन में ही अलकनंदा बद्रीनाथ के गुण गावे लगी है। तू का करवाई बा, सात मिनट में हमने यहाँ से रवाना हो बानी। चली दादाजी। अरे रुक जा बेटा, परसों पूरन मासी बा, वही दिन तो तोहरे माँ बाप गुजरे थे ना। कहते हैं वो दिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना अच्छा होवत है, ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
ऐसे उनका शांति मिल जाए। दादाजी हमार कहा ना मनबू। अच्छा ठीक बा, आप कहते हैं ऐसे यहाँ रुकत बानी, इसका चेहरा तो हमको पसंद ही नहीं है। हो ही ना सकेला, ए गांव में बद्री के चेहरा से खूबसूरत कछु नहीं बा। ऐसा कौन हो नहीं जो वसुधारा आई के हमार सामने सिर न झुकाए। सीएम होके या पीएम होके सिर झुकाना ही पड़ेगा। अच्छा तुमका इतना बड़ा तोप है? तोप नहीं आरडीएक्स है, एल्बम देख ले हिल जाएगा। यारे तारा थोबड़ा देख कहे थे ना आरडीएक्स हैं। फोटोशॉप तो ठीक से करता, हम भी कोर्स किए हैं समझे, हमका कहते तो सस्ते में करवा देते। बकलोल, हमारा काम तोहरा के फोटोशॉप लागत है। बारूद खाते का कि आग उगल रहे हो। ओ भैया हमको आधा टकला काहे छोड़े बे, बाकी की हजामत ही करी। हमरा घने बाल की कसम, हमरा के दाढ़ी कब हो ना आई, हमका आज तोहरा के बचुआ ना ही छोड़ल जाए। इले हर उतरा और शुरू हो जा। सर से खून निकलत बा। तो नारियल पानी निकली का, जाके पट्टी लगवाला, बाकी का डॉक्टर से कटवाला, मना करे तो हमको बुला लिया, चल निकला। हम का है मुंडन करे के, जब हम पैदा भइल रहे तो हमरी अम्मा ने हमको तिरुपति ले जाकर मुंडन करवाई दिए थे। वो अम्मा करवाई रही, आज हम करा। लेकिन तुम तो हमरी अम्मा नहीं हो। चुपचाप बैठा, और अगर ना करवाई तो का करबा? पैसा लेंगे, गरीबी में आटा गिरा। तोहरा के सारी रात जुलाब हुई बुड़बक, जा ले जा। जीएसटी जोड़ेगा और देवे खातिर भीख मांगे के पड़ी। भीख ही तो मांगत है जीएसटी खातिर। मेहरारू से पैसा छुपाईली उही के हाई लगल बा। हम तो गिन के ही का वापस दे रहे थे पैसा। मजाक था रखा जीएसटी के साथ। भगवान तोहरा भला करे। ए कैसे हो बदरी, बाल काट, जेब नहीं। ठीक बा, अब तोहरे रहते कैसे काट सकते। नमस्ते बाबा। हाँ बदरी, कैसन बानी आप? बदरी नाथ की कृपा। और से सुन लो, जेकरा मन में भगवान खातिर श्रद्धा ना बा, जौन गुनेगार फरेबिया धोखेबाज है, वो वसुधारा के पास नहीं जाए के चाहिए। काहे जाएंगे तो का होगा? वसुधारा गिरल बंद हो जाए, वो वापस लौट जाए। पानी कोई कैसे पता है? एजा प्रकृति में पापियन के पहचानने की ताकत बा। ओ, हमार नजर में तो दुनिया के सबसे बड़ा पापी हम ही हैं। हमनी के सोच बहुत मिलत बा, यही से वहाँ मत जा। अब तो हमार जिद बा, वहाँ जाके देखें कि कितना सच बा। तो जा आजमा लो। हमरा जैसन पापी का क्यों ना पहचान पोइलस, ये पानी का पहचानी देखल जाओ। अरे हाँ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाँ एक मिनट, अरे वसुधा रुक तो जरा, ये कैसे हो गई? बेशरम और बेहुदा इंसान, आखिर पवित्र स्थान पर पूरा जैसे पापी का हिम्मत कैसे भाई? अरे ये कौन नास्तिक बड़ा, एक बद्रीनाथ से निकाला। बैठल रही, हम चल जाएंगे यहाँ से। पापी है, छोटा पापी नहीं। हम बहुत बड़ बड़ पापी देखे रहे, पर तू तो महापापी निकलला। झरने का पानी बहाल बंद करा दिए, कहाँ से हो भैया? जान के करबो का, वहाँ बेइज्जती तो हमार भइल बा। स्वामी जी बहुत गुस्सा में बानी। बद्री अच्छा बाकी पानी ना बोलेला, ना तो सबके वो हमार खटिया खड़ा कर देत। बाल बाल बच गई नहीं आज। आप जाइए। नहीं ताऊजी, आपके तो बाल भी नहीं। जाइए। अलग नंदा, ये ताऊ जी की नेकियत का नतीजा है, लेकिन तू वहाँ मत जाइए, समझ लू? अरे बेटू हमार बात समझो, हम तक केहू तरफ बच गई नहीं, लेकिन तारा दूसरा मौका ना मिली। आदमी गलत है पर बात सही है। तू चाहे कितना भी जन्म ले लो, पर वसुधरा तोहरा पे नहीं गिरी। वैसे हम चाहत भी नहीं कि वसुधरा हमरे ऊपर गिरे। इमोशनल अत्याचार है दादाजी, बात में फंसा लिए, पता ना कब तक रुके के पड़े। अरे चलो चलो खेलल जाए। लेकिन हम लोग कैसे क्रिकेट खेली, उमन 11 लोग के जरूरत पड़ेला। तो अब का करल जाए? रुको, हाँ हाँ, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाए, वो रहे प्लेयर्स। हे फ्रेंड्स,
लड़की हमका बुलावे की वजह कहा जात बाड़ा? जावत नहीं आवत है, वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं। और हाथ में कौन किताब है? इस सृष्टि का सारा ज्ञान ही किताब में मौजूद है। ऐसा का? हाँ हाँ, और का, पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जे का जवाब हमका नहीं पता। आहा, तो तोरा सब कुछ मालूम बा? कोई शक? ओह, तो चलो तीन सवाल पूछे थे, जवाब देवा ना। पूछो पूछो। बाहुबली के हा बोला? हाँ, बाहुबली सब लोग छे। अब ये बाहुबली के बा गुरुजी का बारे में नहीं बोले, तुम जानत होगा? नहीं का? नहीं का जानत का? बजरंग बली सुने हैं, महाबली सुने हैं, तोहरे बाहुबली जी किताब में ना है दीदी। देख ला, हमके पता रहे तेरा पास जवाब ना मिले। हाँ ठीक है ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब महिष्मती के राजा। ओ अच्छा अच्छा, ओ का हम जानत है। अच्छा बेटा, अगला सवाल। तो लोग चिरंजीवी के बारे में तो जानते होगा? चिरंजीवी तोहरा के शर्म नहीं आवत? हम बेवकूफ है क्या? चिरंजीवी को सब जानत है समझी। ये मेगास्टार कभी बद्रीनाथ आयल रहेगा? मालूम नहीं। चिरंजीवी के जिक्र एक किताब में होगी का? बिल्कुल, बजरंग बली सिर्फ किताब में नहीं पूरे विश्व में है। अच्छा, तो उनका बारे में बात कर अलबाड़ा। और का, हम उनके बारे में थोड़ी बात किए, हम तो मेगा स्टार चिरंजीवी के बारे में बात कर रहे हैं। हमका ये फिल्मी दुनिया का कछु पता नहीं, आप हमारे ज्ञान का कुछ पूछिए। अच्छा, कुछ और पूछा थे। हाँ, तो कोहली के बारे में तो सुन ले होगा ना? हाँ, क्या कहा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो, अभी कोहली कौन है? तो हम बतावत है, वो क्रिकेटर बाड़े, वो हमने वर्ल्ड कप भी जीतवे। चाय का कप सुने थे, ये वर्ल्ड कप का है? तो विष्णु जी के प्रिय खेल के नाम नहीं खजाना? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तका, ये थे हमरे तीन सवाल, अभी तो हर तीन विकेट। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, वो बीच वाला स्टंप पे लागे ना तो सीधा स्वर्ग जाएगा। हाँ, और बाजू वाले को लगा तो तभी स्वर्ग में जाए। जय बजरंग बली। रुको रुको, ये श्री हरि विष्णु के पसंदीदा खेल है, पत्थर से ना ही खेल सकेला। हाँ, फिर आप ही बताए का करे। ऐसे खेले के का है? ए लड्डू है। हाँ, लाल रंग का लड्डू, लेकिन इतना कड़क का है। लड्डू एक अंदर रखल बा, ऐसे इतना कड़क बा। शुरू कर। जय बजरंग बली, अब हारेगा बाहुबली। विष्णुगज पीछे हट। का भइल रहे? संस्कृति के ऐसे मजाक उड़ावत शर्म ना आई तोहरा के? छी, अस्तु मामा हिगुम्से। आपन पिताजी का नाम बोला, जे के नाम से पूजा हो रही है वो हमरे पिताजी नहीं, हमरे बेटा बहू है। देखा, जन्म देवे वाले के ऋण चुकावे खातिर यहाँ पिंड देल जाता। हिंदू संस्कृति के अनुसार पिता बेटे को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा बात तो फिर ही हम कह चाहता नहीं। औरत ये काम ना कर सकेली, अगर आपका विवाह हो गया हो तो आपके पति ये पिंड दे सकेला, और ना हुआ हो तो तोहरा रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकेले, आप ही कर दो। ये मुमकिन नहीं है, हमारे गुरुजी कहे हैं कि हो के अपने हाथ से खाना मत खिलाना, किसी को हजम नहीं होगा ना। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ कर दूंगा। यहाँ पैसे खातिर कोई पिंड नहीं दे, इतना इंसाफी है, अपन माँ बाप खातिर हम पिंड दान कहे ना कर सके। अब हम जाते। रुका पंडित जी, हम पिंड दान करब। का बोले थो बद्री? कहे ना करी, रस्म और रिवाज भलाई के खातिर होला ना, केहू के नाराज करे खातिर ना। शायद आप ना जानत कि अलग नंदा भगवान से नाराज बानी, काहे कि उनकर माता पिता की मृत्यु मंदिर में ही भइल रहे, उनकर नाराजगी जायज है, उनकर मन परिवर्तन करे के खातिर ये पिंडदान जरूरी है, उनकर माता पिता के पिंडदान कइल हम अपन भाग्य समझब।
आप शुरू करें। केकरा के धन्यवाद कह रही हो बेटा, बद्री के या बद्रीनाथ के? बद्री के ही। अभी की खबर अनुसार हमें पता चला है कि कुछ आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को बंदी बना लिया है। उनकी ये मांग है कि उनके साथी को फौरन रिहा कर दिया जाए, वरना तीर्थयात्रियों की जान भी जा सकती है। क्या हुआ? तोरा 5 मिनट के वक्त है ली, उतने वक्त में ही जा से निकल जा। आखिर तू है कौन जोन हम का वक्त दे? एक। तू जानत नहीं है हम कौन बा, छोड़ेंगे नहीं। दो। लागत है पहला नंबर तोहरा ही है। तीन। और तोहरे बाद इन सबका सबको मार डालब। चार। पांच। हो गईल पांच। अब का बद्रे बद्रे, तोरे पास भी 5 मिनट के वक्त बा, इनमें से एक भी बचे के ना चाहिए। खत्म कर दो इका, ए, खत्म कर दो इका के। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बद्री हमार हथियार बा, वज्र जैसन बलशाली। पालक समर कौतुक खड्ग चालक रक्षक क्षात्र नायक स्फूर्ति दायक कार्य साधक दक्षक गुरु प्रहर्षण कारक मम पुत्र सन्निभवायक बात भइल वसुधारा, कितना भी जन्म कहे ना ले ली, हमरा ऊपर एक बूंद भी ना गिरी ऐसन कहले रहे बद्री। और अब देखा
हमके उहे से प्यार हो गेल बा, हमार दिल में उबस गेल बा। अगर हमार प्यार सच्चा बा तो हमरा ऊपर बरसा ना। ऐसन कभी ना होगा, ना पानी बरसेगा ना बदरी आएगा। काहे आखिर हमरा में का कमी बा? वो भगवान के चरण में राहल पसंद करेला। जब से ओकरा से प्यार भइल बा ओकर हर पसंद अब हमार बा। अब बद्री भी पसंद बा और बद्रीनाथ भी। ओहो, वो हमार दादाजी से वादा केले रहे कि हमरा के बदल दी। जल्दी से जाके बद्री से कह दा कि हम मंदिर में नमन करे खातिर तैयार हैं। खुश हो जाए। अभी जाए के बतावत है। दिखाई नहीं देता तोहरा के, नजरे कमजोर है का? आपके भी तो नजर बा। देखी कैसे तोता की तरह जबान चला रही है। ये अमीर घर की लड़की ऐसा नियोकत है, अपना दिमाग नहीं खिचलावा था, फकत जुबान चलाती है। क्या रे लड़की, तेरा चेहरा तो भगवान बहुत खूबसूरत बनाए पर माँ बाप कछु नहीं सिखाए। हमरे बाप हमके का सिखेले का ना सिखेले उससे तो के का मतलब देखो तो ये चुहिया जैसी लड़की कितना बकर बकर कर रही है। क्या करत हो, पता है दोनों कौन है? ये बदरी के माता पिता है, अब लड़ा। बिजली का झटका काहे लग गए? इनका इंट्रोडक्शन दे, ये बद्री की प्रेमिका है यानी आपके होने वाली बहुरिया, अब लड़ो दोनों। नमस्ते सासू मां। अरे देखो तो कितना संस्कारी लड़की है, कितना प्यार से प्रणाम करत है। का संस्कार दिए है एकर बाप ने? आई सर। वैसे कितना माल है एकर पास? 5,000 करोड़। रकम सुनी के हिसाब सुन गई का? चकरा गई का? 5,000 करोड़ कितना होता है? आसमान से लेकर वहाँ अपने गांव तक की पैसों की नदी बहा सके। अरे कितना धूप हो, जैसी लड़की पिघल जाएगी। धोकर तो पहनना चाहिए था। अब बहुरानी, हम जैसे अमीर लोग की धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हम जैसन का? हम दोनों सास बहू जो है, मस्का लगाना शुरू कर दिया है। बहुरानी जी, सासू माँ सुनी जी, गुरुजी ने हमें यहाँ इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? बता। अरे बद्री और एकर ब्याह के बात करे के होगी ना? का चला? अरे हमार मोम के परी धूप में पिघल बच्चा ना। केकरा के ढूंढे तो बद्री। इधर जाइबू तो लव मैरिज होगा कि नहीं नहीं कह सकते, पर उधर जाइबू तो अरेंज मैरिज वा जरूर हो जाए। हाँ, आइडिया बढ़िया बा। अरे जरा देखी तापन बहुरानी के। अरे राजा, हम यही इंतजार कर रहे थे, आप लोग जाए। अच्छा, ना प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। आओ गोविंद, हमका कोनो जरूरी काम से बुलाए रहे आप? तोहरा बेटे के लिए एक जरूरी फैसला कह ले बानी, होकर बात करे के बाद। हम कहे रहे ना वही बात है। का फैसला किए हैं? अमरनाथ को आतंकवादी के हाथ से बचाए के बद्री हमार नाम रोशन करे। तो हर परम शिष्य जो है गुरुजी, हमार प्राचीन विद्या के तो हर बेटा ही आगे ले जा सकेला। यही से हम ही चाहत बानी की हमार बात बद्रीनाथ के वारिस वो ही बने। जो अपन इच्छा वो तो हर ही बेटा। पर इमा एक शर्त पा, जौन लड़का हमार वारिस बनी आजन्म ब्रह्मचारी रह के पड़ी ओकरा। हमार बिटवा ब्याह नहीं की कर सके? कबहू ना कर सके। इतना साल से तक्षशिला की रक्षा करे के लिए हम आपन गुरु उनके गुरु सब ब्रह्मचारी रहे हैं। माई बाप होने के नाते आप लोग उनके सहमति जरूरी बा, सोच समझ के बताई। का हो गए जी गुरु जी, का कहत बारे? हम आपन बिटवा के भलाई से कैसे देख सकते हैं? इस मासूम के बारे में तो सोचिए।
ए बगत हम कैसे सोच सकते हैं लड़की के बारे में? अपन बेटी के बारे में सोचेंगे। शादी करके परिवार बढ़ावी इंसान ही नहीं ढोर ढंगर भी करता है। तक्षशिला का वारिस बहुत महान होता है, करोड़ों में कोई एक ही बनता जाना था। हमारा बेटा बहुत भागवान है। ये रो मत। आप एक मन से स्वीकार करी, ये मैं कौन हूँ जबरदस्ती ना बा। हम तो राजी हैं गुरुजी। गुरुजी, एक बार अगर बद्री से पूछ ले। वो हमार शिष्य हो, हमार बात ना टाली। अलकनंदा, अलकनंदा, यहाँ का कर रही हो? तू तो प्रणाम करे वाली रहू, कैसे करबू? हाथ जोड़ के करबू या जमीन पे लेट के या फिर ऐसा गोल घूम के? हम ना करब, हम के नहीं के करेंगे। पर काहे तू अचानक मन काहे बदल दिलू? तब कहले रही, अब मन बदल लेनी। ऐसा का हो गई? हमरा के जिक्र से प्यार भइल बा, वो हमरा से दूर जा रहा बा। तू हमके ओकर नाम बतावो, तोहरा कदम में लाके डाल दे। ओकर नाम? हाँ। हमार बात ना डाली। जाए दा, तू का करेबा? बद्रीनाथ भी शादी ना करवा सकेले। बस, ये पवित्र जगह के बारे में तू कछु भी ना जाना था। कलाखंड ज्योति जला के 6 महीनों तक मंदिर के दरवाजा बंद करे के शुभ दिन है। 6 महीना तक मंदिर बर्फ से ढकल रही और 6 महीने बाद जब भी मंदिर के दरवाजा खोलल जाई तब वो अखंड ज्योति जलत ही मिली। ये सच बा? बिल्कुल, हमार धरती पर भगवान के होवे के यही सबूत है। यही से पूरी दुनिया माथा टेके खातिर बद्रीनाथ मंदिर आवत है। कालू अखंड ज्योति के देख के अपन मन के इच्छा मंगी है और 6 महीने बाद वही ज्योति के फिर से दर्शन कर तो जेकरा तू चाहत बाड़ू ओकरा संगे शादी हो जाई। सच में? हाँ, लेकिन एगो शर्त बा, वो बद्रीनाथ के चरण में ब्रह्म कमल रखे के बाद ही तोहारो इच्छा मांगे के होई। कहाँ मिल सकेला एक फूल बोला? हमरे साथ चला, हम देखावत बानी। प्रणाम सर। का भाईल, यहाँ कैसे आवे के भाई? हमारे घर के लड़की के अपोजिशन पार्टी के नेता उठाकर ले गए हैं, उनका खत्म करे का है। एमा 50 करोड़ रुपया है। देखे। ध्यान से सुना मिनिस्टर, आज तक हम तोहरा लिए बहुत कुछ किए। गरीबन के बस्ती से हटवा कर तोहरे नाम जमीन करवाए। तोरा के सरकार चाहत रहे हम दिल्ली, पर भले ही तू अपन जायदाद दे द, ई काम में हम तोहार कोनो मदद ना कर सके नी। प्रणाम सरकार। तोरा पति के अंतिम संस्कार में ना आई नी, ओकरा खातिर माफी चाहता नी। अच्छा तो तू हमके बतावा, ये अस्थि के तू कहाँ विसर्जन करे चाहेलू? हम बंदोबस्त करवा दे। इनके अंतिम संस्कार पर ही आपकी पत्नी की बेइज्जती भइल रहे। का भइल? आप अपने ही शादी के मंडप से भाग के अपन पिता के बेइज्जत केले रही, फिर आप हमरा के का इज्जत दे बोला? जब तक हमार सांस चलत बा तब तक हमरे मुंह से सासू मां शब्द ना सुन सकेलू। तू कह दो ओकरा के खत्म कर दे। ओकरा के खत्म करे के हो तो हम तोहार इंतजार करित का? अगर हम हमरे बेटे को ना रोकते तो वो उका वही खत्म कर दे। ओकर घमंड तब टूटी जब हम ओके हमार घर की बहू बनाई के पूरी जिंदगी गुलामी करवाईब और उकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दे। और ये काम तू कैसे करबा, ये तोहरे पे है सरकार। उबा कहा? हेलो, बबन स्पीकिंग फ्रॉम हियर। अलकनंदा कहाँ बा? यहाँ बद्रीनाथ में बद्री नाम के लड़का बा। अलकनंदा के ओकरा से आँखों ही आँखों में प्यार हो गए बाप, इकरार हो गए बाप, तकरार हो गए बाप। का बे? अलकनंदा के ओकरा से प्यार हो गए बाप। सिंपल। वो कौन है?
उन लड़का के बारे में ज्यादा जाने खातिर 15 नवंबर के न्यूज़पेपर और मैगजीन देखी, मात्र वह दिखाई दी। उस सवेर हुए से पहले हमने सामने होके चाहिए विके। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज का बा? पैसा, पावर और राजनीति? नहीं, मोहब्बत। आज तक हम जितना भी जुर्म कैले हैं पैसा खातिर किए, पावर खातिर किए, लेकिन पहला बार प्यार का सामना हो रहा बा। प्यार के ताकत का अंदाजा नहीं बा तोहरे। तख्तो ताज सल्तनत सब बर्बाद हो गई। बद्री के खत्म करा और उकरा बात कंफर्म करा कि वो मरल बाकी नहीं, शरीर के देख के नहीं, धड़कन के देख के। अगर उस जिंदा बचल तो अलकनंदा के लेके मत आई है, जा। ठीक है डर। बद्री, यहाँ जानवर रहेला का? हाँ, बहुत रहेला। वैसे तो हमरा के जानवर के डर नहीं थे, पर तू कहबा तो चल जाइए ना। हमरा गए से चल जाइए, ये मंदिर के हाथी ना जंगली जानवर हैं। का ना सवाल बहुत भइल, अब चला। तनी संभल के, यही जग गिर गई तो चेहरा के नक्शा बदल जाए। अरे अरे रुका, हम काहे डरी, तू हमरे साथ आवा ना। ओपो, ये फूल बगीचा में ना खेल सकत रहे का? मुश्किल अभी तो देख लो कहाँ, चला अब चुपचाप। इसे भी बड़ मुश्किल है। कितना नखरा कर दिया, हमसे लेके चल जा, जल्दी करा। रुका ना, इतना जल्दी हार गई लो? प्यार के हासिल करे के बाद चले के पड़ी। हार कितना चले के पड़ी, जिंदगी में पहला बार इतना लंबा सफर तय कही नहीं। वो बिना चप्पल के, ऊपर से साड़ी भी, वाह। और तू हमरा के पूरा जंगल घुमावत बड़ा, हमरा से ना हो। प्रेम कहानी अधूरे रह जाए, अपन प्यार के भूल जाए। काहे बद्री जी, का बात बा? कहा गए, थक गए ला का? चले के पड़ी कहले रला ना, चले के पड़ी। लेकिन वो तरफ नहीं, ये तरफ। हाँ, इनका राशि के तक किस्मत है फूटल बा। जरा संभल के, यही जा साफ हो सकेला। और कितना डराई बा। बाबा सुनो। कहाँ है बद्री? वही जा ब्रह्मा कमल है का? वहाँ नहीं बा। नीलकंठ पर्वत के ऊपर जाएगा पड़ी। ये तो गए गांव से, चला। अब बद्री, एक तरकीब बा। उसे कहा वो फूल ले आवे और फिर हम अपना हाथ से चढ़ा दे, ठीक है ना? भूख लागल तो तू खुद खाना खाएबू या दूसरे के खाए के कबू? मोहब्बत तोहर है ना, शादी तोहरा के करके बा, तब फूल भी तू ही तोड़बू और तू ही चढ़ाएबू, चला। वो देखा पूरा हल ब्रह्मा कमल। संभल के, ये पुल बर्फ से बदलवा। शहर के मजबूत पुल से ज्यादा तक ये वाला मजबूत होगी। तोहरा के पता बा, तू एकदम पागल हो? तू मदद कर सकेला प्लीज? अरे घबरात काहे हो, चलो फिर से कोशिश करो, हम है ना, चलो कोशिश करो। अरे हम गिर गए, नहीं गिर गए, नहीं। हम कहले रही ना, ना गिर बो, घबरा ना। अरे ना ना, हम भी डरता। अरे हम है ना, तोहरा घबराए के कौनो जरूरत ना। हम कहनी ना। अगर ये बार फूल ना तोड़बू ना, तो तू ना गिरबू, हम तोहरा के गिरा देब, चला जा। हर कदम पर रुकावट आवत है, लागत है तोहर मोहब्बत सच्चा नहीं है। बिल्कुल भी ना, हमरी मोहब्बत के सामने तो हीरा भी फीका है।
बद्री कहाँ बा? मालूम नहीं गुरुजी, कल रात से ही पता नहीं है। जा जल्दी से उनकरा के खोज। जल्दी चला, मंदिर बंद होने वाला। दादाजी ये खतरा के बारे में कह रहे थे। जिंदा रहना चाहत है तो लड़की को हमारे हवाले कह दा। जे भी कहबा सोच समझ के कही हा, वरना जिंदा ना लौटबा। अलकनंदा, तोहर इच्छा पूरा होई के चाही, यही वक्त मंदिर में जाके फूल चढ़ा दे। जे केउ बीच में आई होकर सामना हम करब। तू जा। मंदिर में जा तू। तेरा बिना ना जाए। लेकिन का है? अगर इनका साथ गई नहीं, तो ही हमरा के आवे ना दी है। तू वादा करा 6 महीना बाद दर्शन करेबा तबे जाए। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ही का इनका साथ पुष्ट भी आ जाए, दबाव भी एक एक के खत्म करके 6 महीना बाद बद्रीनाथ के दर्शन तोहरा हम कराए। वादा है। अब जा तू। अब आपन फूलन पर नाम लिखा। शान शान। जो मन्नते ज्योति का दर्शन करके मांगे हैं, ठीक 6 महीने बाद यही ज्योति के दोबारा दर्शन करके आपकी उस सारी मन्नते जरूर पूरी होंगी। ओम नारायणाय, ओम ओम नारायणाय, ओम ओम नारायणाय। अब तक हमके कौनो भी भगवान पे भरोसा ना रहे, पर अब पूरा मन से आप पे भरोसा करत हैं।
बस कोनो भी हालत में बद्री से हमार शादी करवा दी। हे प्रभु, तोहरा से आज तक कभू कुछ न मांगी, आज मांगत है बद्री के तक्षशिला के वारिस बना दे, हमारी इच्छा पूरा कर भगवान। ई तरीका से एकरा के हराना पैब, एकर कमजोरी भगवान है। ऐसा कौनो बात ना अलकनंदा, एक क्षेत्र की रक्षा कैला हमार धर्म बा। भोली भाली लड़कियन के फायदा उठावे लाई। अरे बेटा जूतवन निकाल दा, घिस जाए। अरे जूते काहे निकालत हो? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है, तोहरा के अतला भी अकल नहीं है, नंगा पांव चले चाहे जूता पहन के, वहाँ ही कह का पता चली। पापा हम का कहते हैं, हम पेटा के लोगों को कहेंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल में घूमत रही, कैसा आइडिया बा? तो बहुत होशियार है। हम शर्मा गए। ए कहाँ जात बड़ा? अपन पिताजी के अस्थियों के विसर्जन खातिर बद्रीनाथ जा रहे हैं। ई क्षेत्र बंद बा, छह महीने बाद आई है। कहाँ?
छह महीने बाद? अरे भैया हमका आवे में ही छह महीने लग गई। भाई तुरंत जा के आ जाए। हाँ हम कहा था नहीं ई ना हो सकेला, फिलहाल तू अंदर ना जा सकेला, परमिशन ना है, वापस लौट जा। ना, 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 हम किसी हाल में वापस नहीं जाएंगे। वो नीचे गांव में एक लॉज है, हम वहीं रह जाएंगे। लॉज के बिल तेरा बाप भरी का? हाँ हाँ बाप से दिलवा देंगे, पर ना ही जाएंगे वापस। पापा हम वन स्टार में रुक के फाइव स्टार का बिल दे और नाना से खूब मोटी रकम ले। बेटा तू तो बहुत से होशियार है। हम शर्मा गए। बात मत करो और चलो यहाँ से, बाप बेटा दोनों निकम्मा है। देखो बिल में जीएसटी भी जोड़ के अपन बाप से ले लेना, समझ गए? लू एक रुपया भी ना छोड़ो। नन्ना और मुन्ना का कह रहे? पेटा से आए हैं। अरे वाह इतनी जल्दी पहचान लिए। अरे हम देखते ही पहचान लिए, दोनों जूता जब ही तोहरा के दिए तब आई हम पहचान गए थे कि परिवार पेटा से ही है। हाँ ठीक है अपन रास्ता ना पा। ऐसा ना जाब ना आप तीनों को जाने दे, तुम पेटा से हम पेटा से तो संबंधी हुए कि नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो एगो स्वीट रूम 200 रुपए पड़ने पे दिलावा एसी के साथ, कहे कि तू भी पेटा के बड़ा और हम भी पेटा के हैं। होटल का है, हमारे साथ पेटाश्रम चला, खास अपन गांव वाले की खातिर बनाए हैं। हाय दैया अम्मा कसम। अरे पागल आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसा लूटी, तू समझत नहीं खे। अरे पापा हमार नाना जी है ना। तो होशियार है बचवा, चल 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 पेटाश्रम में सब फोकट में बा। अरे पापा लॉटरी लग गई बा। देखा बाद में पैसा मांगबा तो 1 रुपया ना दे। एक बार कह दिए तो कह दिए। पापा इनसे का डरना। सही कहे मुन्ना। ठीक है चला चला उस हाँ, तरफ चला। बकरा तो फंस गई। बेटी अलकनंदा, सबको लागत है कि बद्री अब इस दुनिया में ना बा, परंतु वो जिंदा बा। हाँ। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना हूँ तोहरा के ले जाए खातिर जरूर आई। आइए। आज तक हम हमार पत्नी का हर ख्वाहिश पूरा कैले बानी, और अब वो चाहत बिया कि अलकनंदा हमार घर के बहू बने। पंडित जी बाबूजी आपके पसंद कर ले, हर काम आपसे पूछ के कर ले ना, आप तो जानत है। ई मुहूर्त आप निकली है तो बाबूजी के बेहद खुशी होई। कौनो बहुत बढ़िया मुहूर्त निकाला। लड़की की कुंडली के अनुसार बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन जो कि वैशाख शुभ षष्ठी का दिन है, वो अलौकिक मुहूर्त है। लेकिन बिटिया के लिए बाबूजी को मुहूर्त पसंद नहीं है। काहे? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होने वाला था जो नहीं हो सका। मुहूर्त तो ही रहेगा, हमारी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी वही मुहूर्त में हुई। वही मुहूर्त के फाइनल करा। हमार बिटवा कितना बहादुर बाना जॉन, हमारी इच्छा पूरा करे के खातिर अलकनंदा के मन में बसल उ बद्री के खत्म कर दिया। बनारस से सोने के तार से बनल 1 करोड़ की साड़ी हमार बिटवा लाइल बाबा हो खातिर, आप ही सगुन के थाली लाई के ई रिश्ता के मंजूरी दे दीजिए ना। हर रोज न जाने कितना घिनौना काम करने वाले ही लड़का से हम हमार पोती का शादी कभी ना हुआ दे। तुम हमार बेइज्जती किए हो। हम हमारे बेटे से कहत रहे ये औरत को मार डाले, लेकिन जानत हो का बोला, जोन औरत हमार बेटी से प्यार करत है ओकरा के हम कभी भी खत्म नहीं कर सकत है। जोन हमार पास में होत तो हम वही पखत तोहार छोटा छोटा टुकड़ा कर देते। जब तक तोहार सांस चलत इस शादी कबो ना हो पावत, यही से तोर सांस रोक देने। अरे ओ पंडित जी मुहूर्त तो हम भी निकाल ले ला, समझ गई ना? सर झुकाए के खड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही है। सर झुकाए के खड़े रहने वाला हमेशा मुजरिम नहीं होता साहब, गुरुजी के सामने तो हम हमेशा सर झुक करा। भगवान पर विश्वास नहीं करने वाली लड़की बद्रीनाथ आई तो सब कुछ छोड़ के उकरा पीछे मजनू के जैसन भागे लागल। आखिरी प्यार नहीं तो और का है?
बंदर बंद होने के बगैर जब वो लोग उस लड़की को लेकर जा रहे थे तो गुरुजी के सामने आशिकों के जैसन उनका नाम पुकारत रहे। अगर प्यार नहीं था तो उनका नाम कहे चिल्लात रहे। इस सत्य है यह खातरी का सर झुकल बा। सच तो यह है कि हमारे गुरुजी से एक ठो भूल हुई। तोहरा बारे में सब कुछ जानने बगैर तोहरा पे विश्वास कर ले। हजारों शिष्य होवे के बावजूद तक्षशिला का वारिस तोहके बनाने का फैसला किए। ईका लेकर चल जा यहाँ से। यकीन माना हमार कौन हो गलती ना बा गुरुजी, हम सच कह रहल बानी। जिसने तो का धर्म के मार्ग पे चलाया वो तो का कब सिखाए कि झूठ बोली का यह गलती तो हारी है बचवा। गुरुजी बद्रीनाथ के कसम खा के कहत बानी कि ना हम आज तक कौनो लड़की से प्यार कैली ना आज के बाद कबो करब। जेकरे से आपके तकलीफ हुई जेकरा आप खिलाफ बने वो काम हम कबो ना करब। हम सच कहत बने। आपन वादा याद रखिया और हमार भरोसा ना तोड़िया। शुक्रिया गुरुजी। यहाँ सांप बिच्छू टहलते हैं संभल के। हाय दैया सुबह से चला वो तो कब पहुँचेंगे। ये लोग पहुँच ही गए। उस सामने दिख रहा है ऊ बापेट आश्रम। आवा आवा छोटे ठग के बारे बेटा से दो नन्हे और एक मुन्ना आए हैं। बेटा झल 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 कैसे झोल झोल मत बल जो बेटा से आत है हम उका झोली भर देते हैं बस इतना ही। बेटा के लोग हमार सगे हैं। हाँ यही तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। यही तो गई बेटा 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 बेटा। अरे बंद कर रही बेटा से हमारे जन्म के नाता बा पर इस बात के हुआ बा जे कर रहे इंतजार आ गई लू बाहर आ गई बेटा। बेटा 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 ये अपने गांव बेटा से है या बेटा का कोई जानवर हमका तो कौनो चोर लागत है। गहना चोरी हुआ तो बाबूजी और ना ही देखे। अरे छोटे मरवाओगे का। देखा ये हम अमीरन के देख के कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा बा। तो हाथ दिल बिल्कुल सही कहा था। क्या कहे दिल दिल विल प्यार व्यार जीना मरना दौलत स्वरत जैसन खाहिस बेटा तुम जैसा मामूली लोग के हा मौत के आँखन में धूल झोंक के हमार जैसन 500 साल से जिए वाले के ना 500 साल प्रूफ चाहिए का। ई बाऊ अनमोल हार जी अकबर बादशाह दिहले रहे ई इतना अनमोल बा की बिकी ही ना। छोटे के तरफ से बड़ा तोहफा रख ला और दफा हो जा बाकी हमारे इतना दिन जिए के राज पूछिया मत। क्यों ना पूछे वोट दिया है चाचा जानने का पूरा हक गुरु होशियार बोल बेटा। लेकिन स्वामी जी आप देखे में तो 50 साल लगते हैं फिर आप 500 साल कैसे जिए समझ में नहीं आ रहा। देखिए इनके गुरुजी इनका अमर टॉनिक दिए रहे हम झूठ ना ही बोलत हैं। अरे वाह बेटा कहे तो बेटा से हम बेटा से हम सब बेटा से बोल दे बेटा। केवल पेटा वाले ही अंदर आएंगे चला। हाँ, चलो चलो आवा आवा आपका स्वागत है। वो देखा गांधी जी के संगे छोटे बाबा मदर टेरेसा के संगे भी हैं और चाचा नेहरू संगे भी। इमा कौन सी बड़ी बात है काफी लोग फोटो खिंचाए होंगे। यही तो ये देखिए बालक गांधी जी के संगे छुटकी मदर टेरेसा के संगे छुट्टन चाचा जी के संगे ये बुद्धा से भी मिले रहे पर उस समय फोटोग्राफर नहीं था ना। ओ आप तो प्राचीन से भी ज्यादा प्राचीन है स्वामी जी। आप जैसा इंसान 500 साल कैसे गया समझ में नहीं आता। सही कह रहे हैं ना भगवान। इन्हें देख कर आपको ऐसा लागत है इनके गुरु जी की उम्र तो 2000 साल बा। 2000 साल कोई इंसान 2000 साल जी सकत है। काहे का पेड़ नहीं खेजी रहे चांद नहीं खे चमका इंसान नहीं खे जी सका। गुरुजी तो जिंदा रहबे कहले हमका भी रख ले। ऐसन बात का हमार गुरुजी ठग बाबा की जय। सुनी हम उनका से मिल सकत हैं। मिल बात तो हर फैमिली की अमर टॉनिक से उम्र भी बढ़ जाए। पापा अमर टॉनिक पी के अवल जाए। अरे इतना जैसे मत बोला गुरु ने तो इसे पैसा खींच लिया। नहीं नहीं वो भी फुकट में सर्विस देते हैं। फुकट में तो आज तक चॉकलेट भी ना मिलेला। अब बच्चा जिद कर रहा है तो चलते हैं। शिकार फंस गई। खत्म करके मानिका। अरे थोड़ा सा बाचल बा हमारा खातिर छोड़ देना प्लीज। हमरो के पिए का बा ले जा।
इतना आसानी से कैसे मार देते? ये हमार अपमान कई ले रहे और ई की सजाई के भुगते के पड़ी। आसानी से ना छोड़ा। विकी, ई का ख्याल बहुत प्यार से रखी हार। चला। बस बेटा, रोना बंद कर। बस बस ना रो, हमार होते हुए तो का कुछ ना हुई। बस बद्री, उम्मीद करत नहीं तो ठीक हो बा। ठीक हो बा, दादाजी के ये लोग मार दिए। दादाजी बतावले रहले कि तू जिंदा बाड़ा। ए जान के हमरा बहुत खुशी भइल। ज्योति दर्शन कइला से हमार प्यार हमरा के मिली। इहे भरोसा के साथ हम जिंदा हई। हम यहाँ बहुत मुश्किल के सामना करत हई। अगर हो सके तो जल्दी से आके हमरा के यहाँ से ले जा। एक लड़की खातिर खून खराबा करे वाले आपन शिष्य के बद्रीनाथ आवे से मना करी ना गुरुजी। वो का है? टेंपल ट्रस्ट और उत्तराखंड के कानून बा गुरुजी। शक के आधार पर हमार शिष्य के अनुमति ना देके हमरा क्षेत्र बद्रीनाथ में हम ना आईब। हम का छोड़ के वो ना आई और ओकरा छोड़ के हम ना जाईब। खंड ज्योति जला के 6 महीना तक मंदिर के दरवाजा बंद करके शुभ दिन बाद। आजा, दिल से ठग बाबा के बुलावा। बाबा, ठग बाबा। का हुआ? आ काहे नहीं रहे? आएंगे। ठग बाबा, चेला आया है आपका। अरे, ई का आपके बुलावे पर भी ना आईले? ई बच्चों का काम ना है, बाबा।
पेटा से दू नन्ना और एक मुन्ना अलबा। पेटा से हमार शरण में आओ। तू तो बहुत होशियार है बचवा, तो क्या कैसे पता रही? हम होशियार है ना, ई भी तो ऐसे नहीं आए थे। कच्चा बादाम खावत होगा। सोना बेटा गोल्ड, आओ चलो। बड़े ठग बाबा के छोटे ठग के प्रणाम। ठग बाबा हमरा भी प्रणाम। ठग बाबा सबका भला करेला, सबका भला। ये कौन सा वर्ष बा? 2022 बाबा। अच्छा, अनजाने में हम 500 बरस तक तपस्या कर बैठे। आप 500 साल से तपस्या करत है? अरे चौधिया काहे गए, ये तो बाबा के लिए मामूली बात बा। 2022 तक का हाईलाइट सुनाए का आवश्यकता नहीं, हमका सब ज्ञात बा। कोरोना महामारी आई आइल बाबा, इंडिया वर्ल्ड कप हार गईल बाबा। अच्छा वो अली बाबा के खजाने का जो एड्रेस दिले रहे वो खोज लिया? अरे अरे वो तो हम भूल गए बाबा। भूल गए मतलब वो घड़े का घड़ा रह गया? वहाँ तो शॉपिंग माल बन गया। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। उत्ता कुत्ता बन गया कुत्ता। जा जा जा। भाव, 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 भाव। आप तो कमाल है, कमाल है। आप लोग पेठा से आए ना? हाँ गुरुजी, वही से। वाह, 1500 साल पहले हम उकेर झरने के नीचे नहाए रहे। वो झरना सूख तो ना गई? आप झरना में नहाए थे वो भी आज से 1500 साल पहले? आप 2000 साल से जिंदा हो तो आप डायनासोर संगे खेले हो खब? अरे उनके साथ कबड्डी खेले है, डायनासोर के बछुआ लोग को गोद में खिलाए रहे ले हम। ये कई राजा हमें सलाम ठोके खातिर आयल रहली, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते। वो थे क्या? वो तो 300 साल पहले हुए थे। काबे चले। अरे तुम जिसका बात कर रहे हो 7वीं पीढ़ी का रहे, इनका गुस्सा मत दिले यहाँ, वरना पूरी दुनिया के जला के फिर से नई दुनिया बसा दी है। अरे नहीं बाबा, अब हम सवाल ना ही पूछ। समझ गया बाबा। स्वामी जी हमार जिंदगी के वैलिडिटी 100 साल के लिए बढ़ा दी। बढ़ा दे, सिर्फ तोरी बढ़ावे की है ना, ना पूरा फैमिली के बढ़ावे के बाद। ओह फैमिली पैकेज, एक के साथ दो फ्री चाहिए। ठीक बा। तुम लोग एक काम करा, उस दीवार की तरफ मुंह कई के ध्यान में बैठा। चलो चलो। जी गुरुजी, जल्दी चलो पापा, जल्दी जल्दी। अब सुना, हम जो मंत्र कहेंगे जी गुरुजी, उसे तुम जोर जोर से 101 बार जपोगे। जी गुरुजी। मंत्रोच्चारण के वक्त तोरा सबके लगी कि कोई तुम्हारा पर्स चेन या घड़ी उतारत हो, परंतु आंखें ना खोली हा नहीं था। खोला तो कहा होई गुरुजी? तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी बच्चा, तुम भी कुत्ता बन जाएगा। न खोलो, तू भी मत खोलिया, तू भी मत खोलिया। पापा आंखें बंद। ठग बाबा आई हैं सब ले जाई हैं। 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 हमार शरीर से कोई गहना उतार रहा है। पगली कहीं थी, जैसा कहे थे वैसे ही बोलो। ठग बाबा आई हैं सब ले जाई हैं। कोई हमार गले से चेन निकाला। बाबा यही तो कहे थे ना। ठग बाबा आई हैं सब ले जाई हैं। ठग बाबा की जय। ठग बाबा सुनिए जी, हमार जाप पूरा हो गया, आंखें खोली। 101 हो गए हो तो खोल ला। बाबा आई हैं सब ले जाई हैं। सुनिए जी, आंखें खोली ना। हम अभी 90 पर हैं, रुको जरा। अरे सुनत नहीं होगा, आंखें खोलो। कहाँ है? तनी हुआ तो देख। अरे हम उधर कहाँ देख? आज तक तू अपने बीवी के बाप को ठगता आया है, जैसी करनी वैसी भरनी, सबका प्यारा ठग बाबा। अरे अरे बाबा कहाँ गए बाबा, अरे कहाँ गए तू? अरे तुम्हारे लालच के चक्कर में हमरा कहीं ना लेके भाग गए। बाबा उम्र बढ़ाने चल रहे, यहाँ तो खत्म हो गए। भगवान। पोस्टमैन, यहाँ साइन कर दी। अलकनंदा, बद्रीनाथ से पार्सल आइल बा। का है? नारायण पर्वत की मिट्टी है। मिट्टी है। अरे ऐसा मत करा, रुक जा। एकर कण कण में श्री हरि विष्णु है। ई का बकवास करा थे? ई का दिमाग खराब होई बा, संभाला ई का। बेटा अलकनंदा, हमनी मुसीबत में हई और वहाँ से मिट्टी आई बा। इनका खबर ना होके के चाहिए कि बद्री अभी जिंदा है।
पचास तोला ये हिस्सा हम बांटा 30, 60, 90 और ज्यादा का है ऐसे 3 एकड़ 3 तो हर 4 हमारा अब और ज्यादा हो रहा है तो 5 हमारा रे चुप कर रे कोई फेक बनाओ तो रही के 30, 60, 90 है इले ही तुहार थू ई तुहार थू ई हमार थू 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 ई छोटा तेरा ई छोटा तेरा और ई बड़ा हमरा और हमार हिस्सा ई का तो नेटवर्क स्ट्रांग बा अरे ये लोग भी आ गए मर गए लूटे काटे के बाद बाटे के होला और तू बाटे के पहले ही चलाइला बद्री घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाई का बड़ी मुश्किल से चोरी में पीएचडी हासिल की है आसानी से माल हाथ से नहीं जाते बोले बड़े थैंक यू बक बक बंद करो और गहना लौटा दो ये आज सिर्फ चोरी करता है लौटाता नहीं ए आके ले ले रे चला जी आया उठाओ मिल गए पापा उनका भी सोना ले लो अरे ये तो उनका है चुप रहा पापा बस मेरी हाँ में हाँ मिलावा वो अंगूठी भी हमारी है चोरी का सबक हमसे सीख के हम पे आजमा रहा है चोरों के बाद शरे खुश होके हम का ये अंगूठी दिए थे नहीं सर ये हमारे पापा ने हमारे नाना जी से लूटे हैं पापा सच बोला अबे झूठ की दुकान हमारा पैंतरा हम पे ही आजमा रहा है तू हमारे सर की कसम हम सच बोलता है ईमानदारी से सिर्फ अंगूठी जाए हम निकाल अब तो अंगूठी के साथ उंगली भी जा सकेला नहीं बदरी उंगली प्यारी है बाद में उंगली करे खातिर काम आएगी हम होशियार हैं ना पापा अब चलते हैं जा जा वापस बदरी तोरे इशारों पर अब तक नाचत रहे पहाड़ों पर जाओ तो तुम जमीन पर ले आते हो अब कहाँ तक पीछा कर अब हम आखिर जिए तो जिए कैसे ईमानदारी से 4 पैसा में भी खुश रह सकेला भाईमान के खजाना भी कम पड़ेगा कहाँ कहाँ खजाना जरा एड्रेस बता ए, तो ले करा भाई चला हर चीज हम तोहरा कहले मुताबिक कैले हैं अब तू ही बतावा हम पहला कार्ड केकरे नाम लिखी राजगुरु के आशीर्वाद से सब मिला है उन्हीं के नाम पे पहला कार्ड लिखता प्रणाम क्यों सरकार कैसे आना हुआ अपन बेटा के शादी के कार्ड देवे आइलबानी ये विवाह नहीं हो सकता हाँ का भइल गुरु जी ऐसे काय कह रहल बाड़ा विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता मालिक अलकनंदा यहाँ से भाग गई डैड हमको काहे मारे बद्री के खत्म कहके एके यहां लावे के कहले रानी ना हां तो मार करी तो लाए कैसे कंफर्म कइला कि वो मर चुका हम दोनों उंगली से ओकर सांस चेक कर ले रानी नहीं वो जिंदा बा यही खातिर ही भाग रहल बा का बात है सरकार अब समझ आइल तू यहां कैसे राज कर रहल बाड़ा इनका खातिर मन में तनिको इज्जत नहीं खे लेकिन आपके इज्जत देवे के मन कर रहल बा आप हमके इनकर बहू बनाई इनका से यही वादा किए थे ना लेकिन बद्री भी हमरा से वादा कइले बा कि वो हमरा कोनो भी हालत में यहाँ से ले जाए आप हमको तो यहाँ से जाने से रोक लिए लेकिन बद्री के यहाँ आवे से कभो रोक ना पाई लेकिन हम रोका दुनिया में ऐसा कोनो चीज नहीं जेके हम ना कर सकेला ओकरे साथ तोहार भी घमंड खत्म कर दे
सरकार, पूरा दुनिया में सबसे ताकतवर चीज का हजाना था वह। टेंशन के पेंशन दी, हम बता देता नहीं। प्यार और का? नहीं, बद्री, हमारे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करे के कोशिश मत करिए, बर्बाद हो जाएगा। बहुत जुबान चलाओ थे। जोनो लड़की के भगवान पर भरोसा ना रहे, उके दिल में विश्वास काहे जगाए। वो तोहरा भरोसे वहाँ बैठी है कि तू आईबा और बद्रीनाथ के दर्शन कराईबा। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेज के तू उसकी आस काहे जगाईला। हर एक धर्म सब लोगन के प्यार करना ही सिखावत है, और जो प्यार तुमने ओकरा मन में जगाया है, अगर तुम ना गए तो ऊपर वाले से ओकरा भरोसा उठ जाए, और हो सकत है कि वो अपनी जान भी दे दे। सुना, जल्दी जल्दी काम करा, वक्त कम बा। कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आए? हमारे गुरु जी की अनुपस्थिति में ये सब करे हो? बताओ बद्री कहाँ बा? अलकनंदा को वापस लाने तेरे ही घर गया है। दोरे कुत्ते बस भोंकते रह जाएंगे और बद्री उसे ले आएगा। तुम उसका कछु नहीं कर सका, जा निकल जाए यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई ज्वालासा है, बुन जाएगा, समझे? खुद को बचाना है तो भाग जा। का कहे? अब ध्यान से सुना। आज तक हमारी इजाजत के बिना हमार कौनो दुश्मन बेल्लारी में कदम रख के वापस ना लौटल बा। बद्री भी ना लौटा के चाही, ओकरा के वहीं पर दफना था। कदम रखे से पहले ही हम तो हर सर उड़ा दे। अगर कदम आगे बढ़ाईला तो केहू ना बच सकेला। हम केहू से कईल वादा पूरा करे खातिर आई नहीं, हमरा रास्ता में मत आवा। तारा खातिर अच्छा ये बा कि तू अलकनंदा के रास्ता में आवल बंद कर दा, ये दोनों के बिया होए ला बा। हमार रास्ता रोके तू हमार वक्त बर्बाद ना कर, भक्त और भगवान के मिलन करवावे के है। हट जा। का बोला? हमरी जगह पर आकर हमको धमकाता। एकरा धमकी ना चेतावनी समझा। का डाला एकरा के? स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं चल रहा, ये बद्री के ऊपर आपका विश्वास चल रहा है। हमारे जख्म भर जाएंगे गुरु जी। ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जो लड़के को आप हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए चुने, वो आपको और पूरे बद्रीनाथ को ठुकरा कर चला गया। नकली हाथ पैर के दुकान,
हमने के 20 पैर 30 हाथ चाहिए, बाकी को ऑर्डर तहरा के बाद में देम, ठीक बा? घबराओ मत, हम दुकान नहीं खोलत, एगो अकेला आदमी हमार आदमी सबके बहुत मार मर ले बा, यही से चाहिए। आपन बकवास बंद करो और धंधा पर ध्यान दो। मालिक मालिक मालिक, पूरा घर अस्पताल बन गए बा, राव नसीब अच्छा रहे कि रुआ या ना रनी हो, ना तो नकली हाथ और पैर रो खातिर मंगाए के पड़ी थी। ये बात आप ही कहते थे ना कि दो प्यार करे वाला के कभी जुदा ना करे के चाहिए, रुआ खातिर बुरा लगा था। ओके ना छोड़ब। छूना मत, हम एक करोड़पति बाप की लाडली बेटी रह ली, दुनिया भर के रिश्ता के ठुकरा के तोहरा से शादी किए, वो भी मंडप से भाग के, जानत हो काहे? काहे कि हमार दिमाग भी तोहरे जैसन तेज बा। आज से 30 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडा रहला और आज पूरे देश में तोहरी सरकार है, लेकिन तोहरे होवे के बावजूद आज तोहार बेटा इस हाल में पड़ल बा। अब तू पहले वाला सरकार नहीं रहला, शर्म करा। उबद्री के कारण आज हमरे बेटे की ई हालत भइल बा। हमरे बेटे की आँख खोले से पहले उबद्री खत्म होवे के चाही, अलकनंदा हमार बेटे के कदमों में होवे के चाही। अब जा। भोलेनाथ की कसम खाई के कसम तोड़ ले तू, ये जगह के हमेशा के लिए छोड़ के निकल जा। इनके हमने कहे सुनी, चला। ओ हमरा खातिर सिर्फ गुरुजी नहीं, भगवान के समान है, तो का तुहार इच्छा पूरा करे के बना, तो जा की ज्योति दर्शन कर ला। अब जा। लेकिन जा। आकाश गंगा। हाँ भाई। अलकनंदा। हम नंदिनी। हमसे कहल गए रहे कि ज्योति दर्शन कैला के बाद हमार इच्छा पूरा हो जाए, अब बस जल्दी से ओकरा के पूरा कर दी। थैंक यू। अब तक खुश भाई लूना? हाँ हाई, खुश तो बहुत बानी, लेकिन पूरी तरह ना। जब तोहरा तोहर मोहब्बत मिल जाए तो पूरा तरह से खुश हो जाए वो। तू बुद्धू हवा बद्री, तू जानत भी बड़ा किकरा से मोहब्बत। ए उकरा के मार के अलकनंदा के लेके आबा। ओई जा, रुक जा। हम एकरा के यहाँ लैली है काहे कि इनकरा के ज्योति के दर्शन करे के रहे, हम एकरा से प्यार करीला, ई गलत फहमी के वजह से तू लोग मासूम के जान लेत बड़ा। हम सिर्फ ऐसे ना, दुनिया के कौनो भी लड़की से प्यार ना करेगा। हमार जन्म हमरे गुरु के लिए बा। बस हुकुम करे गुरुजी, हम आपके लिए अपन जीवन दे देब।
गुरु अगर शिष्य से माफी मांग सका तो कितना अच्छा। गुरु जी पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चलत बा, वो विश्वास के सामने हम हार कहीं नहीं, तू जीत कहीं। जा दर्शन कर। भीष्म नारायण, इसे आप ही कही, ज्योति दर्शन कैला से इच्छा पूरा हो खेला, ऐसन हमने जैसन मासूम के झूठा दिलासा ना देवे। बद्री, हम किससे मोहब्बत करते हैं तू जाना था, वो तारा से। मन में पति के क्रमाने नहीं जाना था, वो तारा के। अरे जौन मुंह में आवत है बकत है, मार डालब। चला ना, एक मिनट रुक जाई, ओकरा बाद जौन मर्जी बा ऊ करी। ए बद्री, ना जाने यहाँ कितना दूर दूर से लोग अपन मन में इच्छा लेके आवेले, ये आस में कि उनकर इच्छा पूरा होगी, पर असल में भगवान बाड़े ही ना, और बस ये ना ये दुनिया में कहीं भी ना बाड़े। मत आओ यहाँ, विश्वास बिल्कुल भी मत करो, सब झूठ है। बद्री, I love you बद्री, बद्री हमरा रोक ना, हमरा रोक ना बद्री, हम ना रह सकी नहीं तारा, हमरा रोक ना बद्री, बचा ला हमरा, बद्री I love you बद्री, I love you बद्री, रोक ना हमरा please, बद्री I love you, हम सच में तेरा बिना ना रह सकी नहीं, please बद्री, please बचा ला हमरा। ठहर जा बद्री, वो भगवान के लिए तोहरे दिल में जितना प्यार बा, उससे कहीं ज्यादा प्यारी लड़की तो उसे करेली। बद्री, हमार शिष्य में से क्यों आकर हमार वारिस बन सकेला, लेकिन वो लड़की के ऊकर पति सिर्फ तू ही बन सकेला। बद्री, बद्री श्री हरि विष्णु ही बद्रीनाथ के चर्रा चर्रा में बाड़े ही साबित करे के जिम्मा हमारा। आज तक तू हमारा आदर्श पर जियेला, पर अब हमारी हुकुम बा कि तू ही लड़की के लिए जेवा। बद्री, जाओ ओकरा लेके आ। हमें इस जमीन पर तोहरा जैसन पापी के खून ना बहावे के चाहत है, दोबारा अलकनंदा की तरफ देखला तो खत्म कर देबा।
अलकनंदा प्लीज अब इकरा के मत रोकिया। तू हमार प्राण ज्योति लेके जा रहा है बाड़ू, पर ई से भी ताकतवर, ई से भी धैर्यशील, जल्द ही तोरे कोख से जन्म लेवे वाला हो, ओकरा तू हमका सौंप दिया।